मैं अंकुर भारती हूँ। मैं बीटेक किया हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। मैं आप लोगों को बेसिक होम वायरिंग के बारे में कुछ बताऊंगा, जैसे कि सिंबल्स, डायग्राम्स, एप्लीकेशन, यूजेस। फर्स्ट मैं आप लोगों को स्विच के बारे में बताऊंगा। नॉर्मल स्विच, इसमें टू टर्मिनल डिवाइस होता है। ये एक फेज होता है, एक न्यूट्रल होता है। ये किसी भी लोड को ऑन या ऑफ करने के यूज में आता है। इसी टाइप का एक टू वे स्विच होता है। इसमें मिनिमम दो स्विच रिक्वायर्ड होता ही है। ये किसी भी लोड को ऑन या ऑफ करने के यूज में आता है। इसमें दो टर्मिनल होता है, ये फेज होता है और ये भी फेज होता है, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहता है। ये फेज एक सप्लाई से आता है फेज, और ये कोई भी लोड में फेज में जाता है, और ऐसे ही सप्लाई न्यूट्रल एक लोड में जाता है वो, और वो आपस में कनेक्टेड रहता है। ये डिफरेंट लोकेशन पे प्लेस होता है और दोनों पे अल्टरनेट वर्क करता है। इसका कोई भी लोड दे सकते हैं इस जगह पे, बल्ब हो गया, फैन हो गया, एनीथिंग। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको और सिंबल्स, उसका एप्लीकेशन, यूजेस बताऊंगा। थैंक यू।